मॉडर्न गुरुकुला। सो आपका फाइनली एमएनएस का डेट जो है वो रिलीज़ हो गया है, दैट इज़ 27th of July। तो अब आप लोगों के पास मोर देन 20 डेज आप ले सकते हैं जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी के लिए, तैयारी के लिए आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम 20 डेज में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डेफिनेटली आई विल से कि यस, बट द कंडीशन इज दैट कि आपको 10 to 12 आवर डेडिकेटली स्टडी करना होगा, ठीक है। तो आपको अपने टाइम को उस तरीके से डिवाइड करना होगा, जो सबसे मोस्ट हेक्टिक टास्क है कि आपको कैसे अपने सिलेबस को डिकोड करना है, वो मैंने यहाँ पर आपको बनाकर पूरा दे दिया है, ठीक है। इससे क्या आपको हेल्प मिलेगी कि आपको अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लूसेंट उठा के बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो उसको पढ़ने में ही 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 20 डेज में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट अगर आप स्मार्ट वे में पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है, समझ में आ रही है मेरी बात फ्रेंड्स, कि आपको क्या पता करना है कि हम आपको क्या छोड़ना है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए क्या होंगी, आपकी रिलेवेंट होंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आप साइंस को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 3 सेक्शन है। अब आप ये बोलेंगे कि मैम 20 डेज में हम पूरा साइंस कवर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी आपको मैंने बता रखे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा। अगर आप 12th से करके आए तो ऑब्वियसली आपने बायोलॉजी तो पढ़ा ही होगा, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस के हैं आप, तो आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, एकदम अनअवेयर तो नहीं है सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट इसमें आपका आता है इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश की अगर आप एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले कि क्या क्या इसका सिलेबस आता है। तो इंग्लिश में आपका क्या है, अगर इंग्लिश आपने नहीं भी किया है, आपको लगता है कि आपका वीक है या ये है, तो ये पीक टाइम है, आप इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट आपका बचता है जीके और जीएस। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि जीके में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है। और साइंस वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से मैंने आप लोगों को फिजिक्स मैंने आपको कहा था कि आप लोग लूसेंट से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से समरी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लीजिए। उसके अलावा जो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री में मैंने आपको पूरा डिटेलिंग में बताया है कि 11th और 12th में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, ठीक है। बायो का भी मैंने पूरा बता रखा है कि बायो कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, फिर भी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं चैनल पे, तो आप लोग उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनको एक बार देख लीजिए, उनको एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। और आपका रीजनिंग के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डाले हैं, आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को पूरा ये प्लान दिखाती हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसे अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगी। फिर आप लोगों की जो क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वहां से उन क्वेरीज को एकदम परफेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। जल्दी मैं आप लोगों को वो सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगी। तो अब जैसे देखेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखिए बहुत ही वास्ट है हिस्ट्री, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न पढ़नी, तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ फैक्ट्स अबाउट हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो मैं कल हिस्ट्री का पूरा वीडियो डाल दूंगी लूसेंट में से जो इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर भी आप लोग अपने से भी पढ़ेंगे अगर मेरे से डिले हो गया तो। आपको क्या करना है, हड़प्पन कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट्स जाने हैं, कहाँ पे साइट्स मिलती, कौन सा वहाँ पे एनिमल मिला था, क्या वहाँ पे मिला था। देखिए मैंने लिखा हुआ है फैक्ट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, पूरा डिटेल में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने मत बैठ जाना, ओनली फैक्ट्स। योर एग्जाम, जो आपका एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। आपके उसमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछता है, फैक्ट्स पूछता है सिर्फ। अब उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका वैदिक कल्चर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैदिक कल्चर में आपके वेद लिखे गए, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उन वेद से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड है। उसमें एक बार आपका पूछा गया था उपनिषद वर्सेस रिलेटेड टू, क्या होता है उपनिषद का मतलब, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है वैदिक कल्चर। देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही छोटा कर दिया है सिलेबस, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है नेम ऑफ द किंग हु बिल्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट टेम्पल एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक नालंदा, समझ में आ रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तो ये किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट जो फेमस है सिर्फ, ठीक है। सिर्फ आपको नेम जानना है उस किंग का और उसने क्या बनाया था, दैट्स इट। आपको घुसने नहीं लग जाना कि इस किंग ने किसको मारा, किसका क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे केव से एलोरा, एलिफेंटा केव से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को करने हैं। मैं एंशियंट हिस्ट्री को एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी 100 क्वेश्चन, जिसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस होंगे, वहां से आपका हेल्प मिल जाएगी उन वीडियो से, ठीक है।
उसके बाद देखिए मिडाइवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ध्यान से देख लीजिए, क्रोनोलॉजी ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री एंड देयर इम्पॉर्टेंट सिस्टम। बस क्रोनोलॉजी कि अच्छा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल थे, मुगल में किसने क्या बनाया, उनकी सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको जाननी है, वहीं से आपको इम्पॉर्टेंट उनके मॉन्यूमेंट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट एंड देयर लीडर। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर भी कराया था, वहाँ से भी आपके सारे क्वेश्चन वहीं से कंप्लीट हो जाते हैं अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोज देखा था तो, ठीक है। तो आप लोग वो मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देख लेंगे, वहां से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा एकदम, आपको लूसेंट से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लूसेंट में जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको कल मैं आप लोगों को हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। नहीं सॉरी, पहले मैं आपका ज्योग्राफी करा देती हूँ, फिर मैं हिस्ट्री करा दूंगी, ठीक है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट डन है, मैंने आप लोग को जो वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है देखो, अब आप लूसेंट की ज्योग्राफी देखोगे तो उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उतना आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पढ़ना है देखिए, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है, कौन सी इंपॉर्टेंट वहाँ पे रिवर है, ये सब आपका आ जाएगा ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फेमस एयरपोर्ट और उनकी लोकेशन। कभी कभी ये पूछ देता है सी पोर्ट और एयरपोर्ट, जैसे कोच्ची सी पोर्ट है आपका, कोच्ची कहाँ पे लोकेटेड है ना, दिल्ली का आपका एयरपोर्ट हो गया, ऐसे आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग एयरपोर्ट है, तो उनकी नेम ये मैं आपको बता दूंगी कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी सेक्शन का। उसके बाद इसी में आपका एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर दी है, इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में जो है आपका, इकोनॉमी में देखो आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक टर्म्स जानने, जीडीपी क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, बेसिक टर्म्स सिर्फ, ठीक है। इनका टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा हुआ है, टर्मिनोलॉजी सिर्फ आपको जानना है क्या होता है, ये मैं आपको एक लेक्चर में इकोनॉमी आपका कंप्लीट करा दूंगी, यू कैन टोटली रिलाई ऑन दैट वीडियो, ठीक है। आपको उसके अलावा कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, लोकेशन ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI, ये सारा बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से करना है आपको, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनकी हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अब उसके बाद 5 ईयर प्लान्स आए थे आपके, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको थोड़ा बहुत जानना है, वो एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो आपके इसमें पूछे जाते हैं फेमस पर्सन एंड न्यूज पर्सन आपके किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फेमस पर्सन इन इकोनॉमी, ठीक है। एंड उसके बाद आपका है इंस्टीट्यूशन, सेम उसी तरीके से RBI से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स, फुल फॉर्म, हेड कौन है, लोकेशन, ये सारे आपको करने हैं। ये मैंने ये ऑलरेडी वीडियो बनाया भी है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट की पावर से आपका इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, मीनिंग ऑफ रिट, उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और उसके फंक्शन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, CAG। पॉलिटी के मैंने आपके 4 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपके ऑलमोस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो मैं आपका लूसेंट वाला सीरीज मैंने किया है उसमें मैं आपका पॉलिटी करा दूंगी, अगर मेरे से डिले हो गया तो आप लोगों को ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़, गवर्नर, आप एक बार वो 4 वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो आपको पॉलिटी में दिक्कत नहीं होगी, स्टैटिक पार्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपके, ये तो हो गया आपका सारा स्टैटिक पार्ट का GK, ठीक है। स्टैटिक पार्ट में GK में आपका क्या क्या बता दिया मैंने आपको, क्या पढ़ना है, नंबर 1 सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंड उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, देखो मैंने सिलेबस एकदम क्रिस्प कर दिया है। फिर पॉलिटी, उसके बाद अब आपका दूसरा इसमें ऐड होगा आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, नीचे मैंने टॉपिक्स भी लिखे हैं। उसके बाद अगला आपका आता है साइंस, ठीक है। तो साइंस में आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि NCERT पढ़नी है, और लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं NCERT के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, न्यूट्रिशन आपका इंपॉर्टेंट है एनिमल और प्लांट में, डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वायरस एंड प्रोटोजोआ से आते हैं आपके। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के जो भी आपके सारे सिस्टम्स हैं उनके रिलेटेड आपको पढ़ना है। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर हैं तो वो भी आपको पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है, फैक्ट्स के फॉर्म में। बायोलॉजी में तो NCERT पढ़नी है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। अब केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि NCERT में से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, लूसेंट से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। लूसेंट से रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, सारा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा सबजेक्ट, ठीक है। उसके अलावा देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, SI यूनिट, उसके बाद केमिकल नेम, ये सब पूछ देता है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, मैंने टॉपिक भी लिख दिए हैं। सरफेस केमिस्ट्री देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने वहां पे भी बताया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आपका आता है फिजिक्स, फिजिक्स में देखिए इन्वेंशन, SI यूनिट, टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, मोशन, साउंड, लाइट, वेव,
एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको फिजिक्स में अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लूसेंट से पढ़ लेंगे और थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हैं बेसिक वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा का सारा साइंस और जीके का सेक्शन। अब जीके में आपका एक बचता है रीजनिंग। रीजनिंग में नंबर सीरीज और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर नहीं भी किया तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप लोगों को इसका सेक्शन कंप्लीट करना है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, देखो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स पढ़ने हैं, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हैं कितने पूछे जाते हैं, हर सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये फाइल में, ठीक है। उसके बाद आपके पॉलिटिक्स में का मतलब है कि कौन अभी रिसेंट में अपॉइंट हुआ है चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट में कहां पे कौन आपका कैबिनेट में कौन ऐड हुआ है, वो सारे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस एंड बैंकिंग में भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा आपका इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट में आपके सारे सबमिट्स वगैरह आ जाते हैं। सबमिट्स वगैरह की एक वीडियो मैंने पहले लास्ट ईयर भी अपलोड करी थी, वो वीडियो अभी भी रिलेवेंट है, आप लोग उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिसलिनियस जीके। मिसलिनियस जीके में कुछ भी आपका जो रैंडम फैक्ट पूछ देते हैं, 3-4 क्वेश्चन, वो 3-5 क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं। उसमें क्या है, जैसे पॉपुलेशन सेंसस, आपका सेंसस एवरी 10 ईयर में आता है ना, तो पिछला जो सेंसस आया था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें इतना कुछ खास नहीं है, जैसे हाईएस्ट एजुकेटेड स्टेट कौन सा है आपका, कौन सा आपका ये स्टेट है, इस तरीके से लिटरेसी रेट कहाँ पे हाई है, वुमेन पॉपुलेशन कहाँ पे लो है, इस तरीके से कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग सिंपल गूगल पे डाल देना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेंसस, तो आपको वहाँ पे सारा दिखा देगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए बुक्स एंड देयर राइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है, एकदम एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद लूसेंट में भी गिवन है, उसके अलावा आप जो मैगजीन फॉलो करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा अपडेट वाला, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ये ओलंपिक, एशियन गेम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट एनिमल कौन से हैं, उसके सिंबल्स आपको याद रखने हैं, अवार्ड और उसके इंपॉर्टेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर नोबल प्राइज और डिस्कवरी, नोबल प्राइज से हमेशा क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी याद रखना है। मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या मैं बताना चाह रही हूँ। उसके बाद आपका कंप्यूटर से भी इस बार एक दो क्वेश्चंस आए हुए थे, तो कंप्यूटर में देखो डेवलपमेंट और इनपुट आउटपुट, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बारे में देख लेना है, लूसेंट में ही गिवन है कंप्यूटर, ठीक है। और वहाँ पे एब्रीविएशंस फुल फॉर्म दिए हुए हैं कुछ, तो वो आप लोग देख लेंगे। तो मैंने बेसिक 3 टॉपिक लिख दिए हैं ताकि आपको कंप्यूटर से भी कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा जीके प्लस साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जीके प्लस साइंस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इंग्लिश सेक्शन की तरफ। अब यहाँ से आपका सेक्शन शुरू होगा, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है। अब देखिए इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि वोकैबुलरी पढ़िए। वोकैबुलरी पढ़ने से क्या क्या हो जाता है, देखो एंटोनिम और सिनोनिम हो जाते हैं, स्पेलिंग टेस्ट हो जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे एग्जिट क्या होगा, क्लोज टेस्ट, अगर आपके क्लोज टेस्ट एग्जाम में नहीं आता है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसे अभी तक पूछा नहीं है बट होप जो पूछ दे तो इसलिए मैंने लिख दिया। idiom एंड फ्रेजेस आपको ऑलमोस्ट समझ में आएंगे अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं सेंटेंस इन फ्रेजेस इंप्रूवमेंट, कुछ इंप्रूव करने वाले, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सिनोनिम एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, idiom एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन टॉपिक यहाँ पे वोकैबुलरी से जो भी रिलेटेड है वो लिख दिया है। अब ग्रामर से क्या आता है, देखो ग्रामर में क्या आता है आपका, सेंटेंस करेक्शन आता है, स्पॉट द एरर आता है, ठीक है। ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जैसे प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, इनका फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास पूछेंगे, ठीक है। सेंटेंस इन फ्रेजल इंप्रूवमेंट, ये आपको इंप्रूव करने को देता है, अंडरलाइन करके दिया होगा यहाँ पे इसकी जगह पे आपका क्या आएगा, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इस बार क्वेश्चन आ गया था, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से, तो एक एक दो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका पैरा जंबल या जंबल सेंटेंस, इसमें क्या होता है, देखिए आपको पी क्यू आर एस करके कुछ भी सेंटेंस दिए रहेगा, जैसे बेसिक क्वेश्चन इस लास्ट ईयर पूछा था, इस बार का मुझे याद नहीं है, तो आप लोगों को आगे पीछे करके सेंटेंस दे देंगे, तो आप लोगों को सिंपल होगा, बेसिक एकदम अरेंज करना होगा, फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा एंड फोर्थ में क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आप पूछेंगे कि 20 डेज में कैसे हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं बच्चा, आप लोगों को बस खुद में बिलीव होना चाहिए कि यस
मैं कर सकती हूँ, बिकॉज अभी तक आप लोगों ने इतना मेहनत किया है, इतना हार्डवर्क किया है, इतने टाइम से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर लिंक्ड विद द एमएनएस, ठीक है। तो अब ये लास्ट पीक मोमेंट है, इस टाइम पे अपने आप को डाइवर्ट मत करिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए और एक दिन में क्या करिए, मैंने आप लोगों के साथ 30 डेज वाली स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों को अपना शेड्यूल बनाना है, तो उस शेड्यूल को आप लोग खुद अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करिए। अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 3 से 4 ये पढ़ना है, 6 से 7 ये पढ़ना है, तो हर किसी के पढ़ने का टाइम अलग होता है, हर किसी के पढ़ने का समय अलग होता है, तो टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग बांधना होगा। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि डेली 8 घंटे पढ़िए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं है कि जीके करने से क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश करने से क्लियर हो जाएगा, एवरी सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इंग्लिश को 2 घंटे दीजिए डेली, 2 घंटे अगर आपको लग रहा है, उसके बाद 2 घंटे आप साइंस को दीजिए, 2 घंटे आप जीके को दीजिए, तो 6 घंटे ये हो गए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपके यूट्यूब चैनल हैं बहुत सारे, उनको आप लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे, उसमें जो भी वीडियोस वो लोग डालते हैं लास्ट मोमेंट में, तो क्या होता है कि कुछ रिवीजन के लिए हेल्प मिल जाते हैं। जैसे मैंने ही वन लाइनर बहुत सारे वीडियोस डाले, वन लाइनर क्वेश्चंस के, तो वो क्या है कि वो कम टाइम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या हो रहा है, आपके दिमाग में जा रहे हैं, तो जितने क्वेश्चंस आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। अब इस टाइम पे आप लोग मॉक टेस्ट देने मत बैठिए, बिकॉज क्या होगा कि अगर आपके मॉक टेस्ट में लो स्कोर होगा तो आप डीमोटिवेट फील करेंगे, तो ये टाइम आपको डीमोटिवेट फील करने वाला नहीं है, ये आपको पीक पे उठाने वाला है, ठीक है। जितना आपने मॉक टेस्ट करना था आपने कर लिया, जितना आपने एफर्ट करने थे कर लिए, अब आप सिर्फ शेड्यूल सेट करिए और अपने आपको रिवीजन मोड पे ले आइए, ठीक है। अब रिवीजन नहीं करेंगे तो इतना सारा पढ़ा हुआ कोई फायदा नहीं है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए। तो 6 आवर तो ये स्टडी हो गई, प्लस 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा क्यों दिए हैं, जो टॉपिक जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यू आर वीक इन दिस सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल किसी का साइंस कमजोर हो सकता है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा साइंस पे देगा, किसी का जीके कमजोर हो सकता है तो 1 घंटा जीके एक्स्ट्रा देगा, किसी का इंग्लिश होगा तो 1 घंटा इंग्लिश देगा, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। मेरे से जो हो पाएगा मैं आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बताना कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे। थैंक यू, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।